फौज में काम करते थे और दो साल पहले अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे और अरुणाचल प्रदेश में एक ऑपरेशनल सॉर्टी में उनका जहाज क्रैश होने की वजह से उनका देहांत हो गया, वो शहीद हो गए। और जैसा दिल्ली सरकार, जो भी दिल्ली के रहने वाले लोग शहीद होते हैं फौज में, उन लोगों को सम्मान राशि देती है, तो अभी उनके परिवार से मैं मिलने आया था। ये उनके सिस्टर्स हैं, उनकी माताजी हैं, पिताजी हैं, उनकी वाइफ हैं, तो इनके परिवार को भी हमने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। उनकी जान की कीमत तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे इनके परिवार को थोड़ी मदद मिलेगी। उनकी एक सिस्टर को ऑलरेडी हमने सिविल डिफेंस में इंक्लूड कर लिया, दूसरी सिस्टर को भी हम उसमें उनको जॉब देंगे, और जो भी बन पड़ेगा हमसे परिवार के लिए हम सब कुछ करेंगे। सर, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग जो स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं उसी को उसी टेलीविजन और प्रचार के लिए कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रही दिल्ली से का। स्कूलों में कोई काम नहीं कर रहे जी, विपक्ष का कहना है सर। विपक्ष कहने दो, सारे देश जानता है कि स्कूलों में कितना अच्छा काम हो रहा है। सर, जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड वाले सरकार अपने नाम से उद्घाटन कर रही है। सारा क्रेडिट उनका, सारा काम हमारा, सारी जिम्मेदारी हमारी, सारा क्रेडिट उनका। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ हत्याएं की जा रही हैं, चुन चुन के उन्हें मारा, जो अभी आतंकवादी घटना हुई कल या परसों हुई थी, उसका मुझे बेहद खेद है। और मैं सभी सरकारों से, जो भी संबंधित जम्मू कश्मीर की सरकार है, केंद्र सरकार है, उनसे अपील करूंगा कि वो सभी वो कदम उठाए जो कि ज़रूरी हैं हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। उसके लिए हम हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी सरकार कर रही है? सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। डेंगू के मामले जो बढ़ रहे हैं उससे थोड़ा मैं भी चिंतित हूँ, लेकिन फिर भी देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह से बहुत ज़्यादा मामले बढ़े हैं उसको देखते हुए दिल्ली में अभी काफ़ी नियंत्रण में हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं उन एफर्ट्स की वजह से काफ़ी नियंत्रण में है डेंगू। और मैं समझता हूं कि शायद महीना भर और है, ये वाला सीजन भी खत्म हो जाएगा और हम इसको। जब कोरोना आया था तो एक बैंक की स्थापना की जिससे प्लाज्मा मिल सका, अभी जो प्लेटलेट्स की बहुत दिक्कत आती है ऐसे में, अगर कोई भी दिक्कत है, कहां पे दिक्कत है मुझे बताइए, हम जरूर उसका वो करेंगे। और अगर जरूरत है तो अपील करेंगे जनता से कि ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें प्लेटलेट्स को। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।